So hello guys, my name is Anshu Darby and I studied in 11th class. ठीक है आपकी तरह student हूँ मैं भी. ठीक है. Hello guys, how are you? My name is Divyanshu Darby और मैं second year गजराजा medical college में पढ़ रहा हूँ. तो आज हम जो discuss करने वाले हैं वो हमारा point है biology neat questions. Okay, तो अब Anshu Darby बताएगा आपको आगे. So यहाँ पर हमारे पास में क्या रहेंगे, देखो इस पीपीटी में क्या है, हमारे पास में इस प्रेजेंटेशन में क्या है, देखो कि नीट 2020 का कल पेपर हुआ था. ओके, तो कल पेपर न होने के कारण हमने इसकी अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करी है, कुछ एनालाइज करके हमने कुछ पीडीएफ फाइल बनाई है आपके लिए ताकि आप अच्छी तरीके से इसको एनालाइज कर पाएँ. और इस वीडियो में खास बात ये है स्टूडेंट की, यहाँ पर क्या है देखो कि हमारे पास में एक लाइन टू लाइन रहेगी. ठीक है, जिसकी वजह से हम बायोलॉजी में स्टडी कर पाएंगे. ठीक है, कि जैसे एक क्वेश्चन रहेगा उसके नीचे का जो बायोलॉजी की जो बुक है उसके लाइन टू लाइन को मैच करके हमने उसको डाला है, तो यू कैन सी दैट. ओके, सो लेट्स बिगिन. तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. तो हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारे पास में द ट्रांजिशन ऑफ प्लांट शोइंग फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर. हमारे पास में ट्रांजिशन फीचर सेक्शन है. तो हमारे पास में यहाँ पर जो ये है, हमारे यहाँ पे फोर फीचर्स दे रखे हैं, इसके फोर फीचर्स दे रखे हैं. लार्ज नंबर ऑफ स्केटर वस्कुलर बंडल. आप बताइए लार्ज वस्कुलर स्केटर बंडल किस में होंगे? सिंपल है, मोनोकोटिलिडनस स्टेम में. ओके, और ये कि यही लाइन जो है वो एनसीईआरटी में लिखी हुई है. ये देखो यहाँ पर लिखी हुई मिल जाएगी आपको, स्केटर्ड वस्कुलर बंडल. स्केटर्ड वस्कुलर बंडल जो होते हैं वो हमारे मोनोकोटिलिडनस सिस्टम होंगे. आपने अगर ये एक लाइन पढ़ रखी है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो, जबकि इन्हें चार फीचर्स दिए. अगर आपको दो फीचर्स भी आराम से पता है, आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा है, तो ये पूरा अगर आपने इस पेरा को पढ़ा है अगर मोनोकोटिलिडनस स्टेम्स को, तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे, क्योंकि सारे ऑप्शंस जो है लार्ज कॉन्स्पिशियस पेरेन्काइमेटियस ग्राउंड टिश्यूज जो है ये भी इस लाइन में लिखा हुआ है, पेरेन्काइमेटियस टिश्यू. उसके बाद में वस्कुलर बंडल्स कॉन्जेनाइटल एंड क्लोज्ड ये भी इसी लाइन में लिखा हुआ है. और ये फ्लोएम पेरेन्काइमा अब्सेंट होता है ये भी इसी पैराग्राफ में लिखा हुआ है. तो आपने अगर इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से कर देंगे. ओके, तो आप क्लियरली देख सकते हो यहाँ पर कि जो क्वेश्चन है और जो लाइन है इसको आप पूरी तरह से कैसे मैच करना, वो आप अच्छी तरीके से अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना. ओके ओके, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपको ये भी समझ आ जाएगा. ओके चलो, तो अपने आप नए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ओके जल्दी चलो चलो. तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है व्हाट वुड बी द फीचर्स ऑफ डायूरेटिक्स. डायूरेटिक्स पे क्वेश्चन आया है कि डायूरेटिक्स को इंक्रीज, डायूरेटिक्स को कौन कंट्रोल करता है यहाँ पे. तो इसका जो आंसर आएगा वो थ्री आएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल्स ड्यू टू एल्डोस्टेरोन. हमारे अंदर जो एल्डोस्टेरोन हार्मोन्स होता है ये हमारे पास में जो ये वाला जो क्वेश्चन आया है ये हमारा आया है सर्कुलेशन से. सर्कुलेशन वाला जो पार्ट है उससे ये क्वेश्चन आया है. और यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो जेजी सेल वाले दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे जेजी सेल वाला जो पॉइंट दे रखा है, एडीएच वाला दे रखा है, एडीएच वाले पॉइंट्स दे रखे हैं आपको यहाँ पर. और उसके बाद में एंट्री नेट्यूरेटिक फैक्टर्स के क्वेश्चन का यहाँ पे दे रखा है आपको. तो ये पूरा कंफ्यूजिंग दे रखा है, पर सारे ऑप्शंस आप देख सकते हैं पूरी तरीके से गलत है. जो ये तो किसी जो लास्ट वाला ऑप्शन है ये तो किसी उसका है ही नहीं यहाँ पर, ये इससे डायूरेटिक्स से रिलेटेड है ही नहीं. भाई डायूरेटिक्स क्या होता है? डायूरेटिक्स मतलब यूरिनेशन ज़्यादा हो रहा है. यूरिनेशन ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा है यहाँ पर? यूरिनेशन यहाँ पर ज़्यादा किसकी वजह से हो रहा है? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, जो यूरिनेशन को जो रोकने का काम है वो यहाँ पर कौन कर रहा है हमारा? एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर फ्रॉम द रीनल ट्यूब्यूल ड्यू टू एल्डोस्टेरोन. एल्डोस्टेरोन जो सीक्रेट होता है हमारे अंदर वो ये काम करता है. और ये कि यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है आपको, आपको दिख जाएगी यहाँ पर लिखी हुई. तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से लिया हुआ है, सर्कुलेशन चैप्टर से लिया हुआ है. ये उसका पूरे पैराग्राफ दिया हुआ है जहाँ से ये क्वेश्चन आया है, और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हमेशा. ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके चलो, अब हमारे पास में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मेड अप ऑफ. काई की बनी हुई है हमारी ग्लोबलेट सेल्स जो होती है वो काई की बनी हुई है?
मॉडिफिकेशन काई का है, काई का मॉडिफिकेशन है, वो हमारा मॉडिफिकेशन है कोलमनर एपिथेलियल सेल्स का। और ये कि यही लाइन आपको दोस्तों जो हमारा टिश्यू वाला जो चैप्टर है वहाँ पे मिल जाएगी। देख सकते हैं आप ये ग्लैंडुलर जो देखा लिखा हुआ है, सम ऑफ द कोलमनर एंड क्यूबोइडल गेट स्पेसिफाइड फॉर सिक्रेशन, और वो क्या बनाती है ग्लैंडुलर एपिथीलियम बना लेती है। तो ये क्वेश्चन टोटली यहाँ से आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्लोबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री केनाल लिखा हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से पढ़ रखा है आपने तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हो। ओके, तो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अब ये थोड़ा अंशुड़ा भी बताएंगे आपको, ये वाला उन्होंने अच्छे से कर रखा है और आपको मैंने ये सब पढ़ा भी दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, देखो हमारे पास क्वेश्चन कि द क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इन स्टैंडर्ड ईसीजी, ईसीजी क्या होता है मैंने आपको बताया था अच्छी तरीके से, वो पिक्चर में लगी रहती वाली मशीन, ठीक है। ये दिख रही है आपको जैसे यहाँ पे जो ईसीजी का जो चार्ट बना हुआ है, देख ग्राफ है, ग्राफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वो बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि यहाँ पर अपने फोर ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, रिपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल, डीपोलराइजेशन ऑफ ओरिकल या फिर डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। तो हमने ये सब अच्छी तरीके से पढ़ा है, तो यहाँ से क्वेश्चन आया देख सकते हैं आप क्लियरली। देखो क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्यू आर ए कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट, ठीक है, द डीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। सिंपल सी बात है, अब आप देख सकते हो क्लियरली एनसीईआरटी की वही लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मेज कर सकते। ओके, तो इसका आंसर आएगा क्लियरली डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये जिसका जो पेपर था स्टूडेंट, आप इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है आपको, ठीक है। वो कोई किस वो फर्स्ट ईयर वाला होगा या फिर ड्रॉप लेना चाहता होगा, उसने ये इसलिए इसके बहुत सारे क्वेश्चन गलत हुए। अरे भाई साहब मैं बता दूँ, ये जो भाई साहब जिन्होंने जिनका पेपर हमने ये लेके ने जिन व्यक्ति का ये पेपर लेके सोल्व किया है, अब उनकी पता नहीं क्या इच्छा नहीं थी नीट सोल्व करने की, नीट निकालने की, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन गलत है। तो इसको आप अवॉइड कीजिए, ये जो टिक्स लगे हुए हैं इस पे। हमारा मेन मोटो है आपको जो क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन के अंदर जो आपको जो दे रखे हैं ऑप्शंस दे रखे हैं उसको हम आपको सीधे एनसीईआरटी से रिलेट करके दे पा रहे हैं, और आप ये आसानी से कोरिलेट कर पाओगे कि अधिकतर क्वेश्चंस जो इस बार एनसीईआरटी से आए हुए हैं वो सब ब्लैक लिस्ट, मतलब जो ये ब्लैक में जो दिख रखा है ना आपको ब्रॉड लेटर्स में दिख रखा है डीपोलराइजेशन ऑफ एंट्री का, अधिकतर क्वेश्चन जो है वो इधर से ही उठे हुए हैं। ओके, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। तो इसका आपने देख लिया कि यहाँ पे आया है क्वेश्चन पूरा का पूरा, आपको एनसीईआरटी से अगर आपको नीट ले करनी है तो ये जो टॉपिक से आप इसको टिक लगा लें या फिर अंडरलाइन कर लें, नीट लाइन कर लीजिए, हाईलाइट किया गया। ओके, मतलब जब एग्जाम देने जाओ तो एक मेन चीज तो यही रहती है कि आप सबसे पहले ये ब्लैक एनसीईआरटी पढ़ के चले जाओ। आप अगर मेन एग्जाम में जाते हो तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी लेके जाओगे, कोई सी बुक तो लेके जाना नहीं है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लाइट रिएक्शन जो हो रही है हमारे इसमें। अब ये एनसीईआरटी में नया चीज़ जुड़ी हुई है, एनसीईआरटी की जो नई जो अभी अपडेटेड बुक है उसके अंदर ये चीज़ जुड़ी हुई है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पीएस टू है और यहाँ पे हमारे पास में दे रखा है पेस्टोक्विनोन्स जो कि हमारा जा रहा है साइटोक्रोम बी सिक्स पे। तो इसका ऑप्शन जो है वो आप देखो, अधिकतर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में आते हैं वो हमारे डायग्राम बेस्ड आते हैं, तो अगर आपने डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कर रखा है तो आप उस क्वेश्चन को कभी गलत कर ही नहीं सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन को इस जगह से उठाया गया है यहाँ से, और लिखा भी होगा एनसीईआरटी में इसके बारे में, तो इसको आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। भाई अब क्या बताएं, इनने गलत कर रखा है क्वेश्चन, पर जो सही आंसर है वो है सेकेंड आंसर इसका राइट है। ओके, इसका आएगा PH22CYP B6F फैक्टर। ओके, बड़ा आसान है। लेट मूव आई टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। ये क्वेश्चन जो था वो बहुत ही ट्रिकी, मतलब एक तरीके से देख सकते हैं कि बड़ा आसान भी, कुछ लोगों को बड़ा आसान लगा होगा कि यार क्या पूछ लिया कि नाइट्रोजिनस जो एंजाइम है वो लेग्यूमिनस प्लांट में क्या करेगा, क्या प्रोडक्ट बनाएगा, तो सब बोलेंगे अमोनिया बनाता है नाइट्रोजिनस। पर आपने अगर इस जो रिएक्शन है इसको ध्यान से पढ़ा होगा, अगर आपने जो ये जो रिएक्शन दे रखी है इसको ध्यान से पढ़ा होगा, तो यहाँ पर रिएक्शन में दे रखा है हमारे पास में अमोनिया प्लस
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने का टाइम आएगा स्टूडेंट। तो मैं आपको बता रहा था इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास में अमोनिया प्लस हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है। अमोनिया प्लस हाइड्रोजन, आपको इस रिएक्शन को रटना होगा पूरी तरीके से, क्योंकि यही रिएक्शन आई है इस बार नीट में। अब देखो इनने यही गलती करी, जिस क्वेश्चन पेपर को हमने यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, जिसका भी है पेपर ये, उन्होंने यहाँ पे अमोनिया लगाया है सिर्फ, और बहुत सारों ने अमोनिया ही लगाया होगा इसका, क्योंकि लगता है कि भाई बहुत सिंपल सी फेंका है पर ये एक तरीके से गुगली बोल सकते हैं, हम कुछ भी बोल सकते हैं, लगने में सिंपल है और फिर आउट हो जा रहे हैं। ओके, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर अमोनिया प्लस हाइड्रोजन भी आएगा भैया, तो इसको ध्यान रखिए, क्वेश्चंस को इतनी आसानी से मत लीजिए। चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो वन आएगा। नीट की एग्जाम में सिंपल एग्जाम नहीं है। ओके, ये हमारा बहुत चहेता क्वेश्चन है, आप बोल सकते हो जैसे हमारी बॉडी में हार्ट होता है ना, वैसे ही है ना, ये हमारी बायोलॉजी का बायोलॉजी ऑफ हार्ट है। मतलब यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन ना दे तो मतलब कि फिर क्या देगा वो क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ से हर साल क्वेश्चन आते हैं, और इस साल भी दो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ से आए, सिर्फ यहाँ से, इस पेज से, ये पेज है ना, इसको तो रट लिया करो, जान ठीक है। तो इसमें देखो बहुत आसान है, अगर आपने देखा होगा कि वही बस हाईलाइटेड चीजें पूछी गई है, तो क्योंकि कोरोना में बच्चे वैसे भी बहुत परेशान थे बेचारे, पढ़ नहीं पा रहे थे बहुत सारे लोग, तो उन्होंने इस बार सिंपल से सिंपल देने की कोशिश करी कि जो सबको बराबर मिले। पर अब देखते हैं आगे क्या होता है जब आएगा कट ऑफ रिजल्ट। तो देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है जाइगोटीन जो स्टेज होती है वो हमारी होती है जो मियोसिस फर्स्ट जो होती है उसकी स्टेजेस है यहाँ पर। तो जाइगोटीन जो स्टेज है हमारे पास में, जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है हमारे पास में साइनेप्सिस जो होता है वो होता है जाइगोटीन। आपने देखा होगा ये लिखा हुआ है, देखो इस जगह पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है साइनेप्स लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद में हम बस देखो इसमें हम एक क्वेश्चन को एक पॉइंट लगा के ही इसको सोल्व कर सकते हैं। जैसे जाइगोटीन हमको मिल गया कि इसका फोर्थ वाला है, तो जाइगोटीन में फोर्थ वाला आ जाएगा हमारा ये वाला थर्ड वाला, तो इसका आंसर जो है वो थर्ड वाला आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ आंसर थर्ड। ओके, आंसर थर्ड आ जाएगा इसका, बाकी आपको देखने की जरूरत नहीं है, और अगर देखना भी चाहो तो आप आसानी से देख सकते हो, पिक्टिन लिखा हुआ है, कुछ नहीं है पिक्टिन में। यहाँ पर जो सिनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स जो दे रखा है वो आएगा यहाँ पर, क्रॉसिंग ओवर जो होती है वो पिक्टिन स्टेज में होगी हमारी। उसके बाद में जो डिप्लोटिन स्टेज में हमारा काइमेरिक बनता है, और डाइकाइनेसिस में हमारा टर्मिनेशन होता है। तो ये चीज़ें बहुत बिल्कुल देखो, ये काइमेरिक लिखा हुआ है, ये सब बिल्कुल हाईलाइटेड है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये बिल्कुल ऊपर की भी चीज़ अगर आप एक बार रिवाइज करके चले आते तो बहुत आसानी से आपका ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाता। ओके, और सारे क्वेश्चन ऐसे ही है। तो अगर आपका टारगेट 2021 है तो इन टॉपिक को अच्छे से कर लीजिएगा, लर्न फ्रॉम दिस 2020, क्योंकि इसी के बेस पे अगला पेपर जो है वो भी बनने वाला है, ठीक है, आपको इसको देखना होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम यहाँ पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखो जो ये वाला चैप्टर है, इस चैप्टर से मैक्सिमम सिर्फ मैच द कॉलम्स आते हैं। मैच द कॉलम्स क्यों आते हैं, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स भी है, तो आपको इस चैप्टर्स के एग्जांपल्स अच्छे से रटने पड़ेंगे, और सारे के सारे ये क्लासेस भी देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर और पर कुछ भी नहीं आएगा, पूरा एनसीईआरटी से आएगा, पूरा एनसीईआरटी से। देखो 6 से 15 प्लेयर्स ऑफ गिल्स लिस्ट दे रखे हैं, किस में होते हैं 16 से गिल्स लिस्ट प्लेयर हमारे पास में, बताओ साइक्लोस्टोमेटा में होते हैं। ओके, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकंड वाला। आप एक क्वेश्चन एक टिक करके ही सारे आंसर देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पर साइक्लोस्टोमेटा में जैसे दिख रहा है आपको कि यहाँ पे 6 से 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स लिखे हुए हैं, और वो भी बिल्कुल डार्क कलर में लिखे हुए हैं। ओके, तो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इतने भी पढ़ के चले आते तो फिर काम बन जाता आपका। जैसे ट्राइगोन में भी दे रखा है पॉइजन स्टिंग होता है, तो आपको पता है अगर ट्राइगोन में पॉइजन स्टिंग है तो वह आप क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, और क्या, ऐसा ही है सिंपल सा, है ना। चलो आगे बढ़ो, तो अगला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भैया, मैं कन्फ्यूज हो गया था इस क्वेश्चन में, तो विच इज द इम्पोर्टेंट साइट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड इन द यूकैरियोटिक सेल। जो ये सेल है उसके अंदर
ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का जो फॉर्मेशन है उसमें कौन इंपॉर्टेंट है? तो सबसे पहले मेरे को लगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको देख के जिस महाशय ने ये लगा रखा है क्वेश्चन, है ना। पर फिर मैंने लगाया कि यार क्वेश्चन इतना आसानी से कौन दे सकता है। फिर अगर आप पता करेंगे तो गोल्गी बॉडी जो है, गोल्गी बॉडी में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि गोल्गी एपरेटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड। बहुत ही क्लियर कट लिखा हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, दो राय नहीं है। तो इसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ आएगा, सेकंड नहीं आएगा भैया, जिसने भी किया है देख लेना अब अपना। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक दो क्वेश्चन जो है वो थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, पर कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे कोलेजन जो है, अगर कोलेजन आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कोलेजन जो है, सबसे पहले अपन अपना ध्यान सिंपल चीज़ों पे जाता है। तो जैसे चाइटिन पे जाएगा कि चाइटिन क्या है भैया, तो चाइटिन हमारे पास में जो दे रखा है वो क्या है, सेल वॉल मटेरियल इन फंगस, सेल वॉल मटेरियल इन फंगस है। ओके, सेल वॉल मटेरियल इन फंगस है, तो आप चाइटिन थर्ड का लगा दो, सी का थर्ड आ जाएगा। सी का थर्ड आ गया, आपका काम हो गया, एक क्वेश्चन को करना है, बाकी सारे ऑप्शन अपने आप हो जाएंगे। ओके, और कुछ भी नहीं। जैसे कि आप पता है आपको कि जो कोलेजन है, कोलेजन है वो एक प्रकार के क्या है, प्रोटीन है। प्रोटीन है तो इसमें क्या आ जाएंगे, पेप्टाइड बोन आ जाएंगे, सिंपल सी चीज़ है। इस और टेबल तो आपको रटनी है, टेबल तो आपको रटनी है। और नीचे भी आप, मैं बता दो आपको कि ये जो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ की टेबल जो है, इसमें फंगस के बारे में जो सेल वॉल है उसके बारे में लिख रखा है, उसके सेल वॉल के बारे में यहाँ पे देखो देखो लिख रखा है यहाँ पे सेल वॉल के बारे में, कि जो सेल वॉल है वो चाइटिन की बनी हुई है भैया, है ना। और बैक्टीरिया की भी पूछते हैं, बैक्टीरिया की पूछते हैं, एल्गी की भी पूछते हैं, पर उन्होंने इस बार पेपर को इतना सिंपल करने की कोशिश करी है। बच्चे वैसे ही परेशान है, बोल रहे हैं कि 2020 बहुत ख़राब है, हर चीज़ में 2020 ख़राब है। तो अगर नीट का पेपर भी थोड़ा भी कठिन बन जाता अगर, तो फिर बोलते कि अरे यार 2020 ख़राब है, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, इसके लिए उन्होंने आपके लिए पेपर बहुत सिंपल बनाया। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारे जो अगला क्वेश्चन आया है वो हमारा फिर से एनिमल किंगडम से आया है, और कुछ नहीं। जो लास्ट वाली टेबल है ना, सिंपल, बहुत सिंपल है। इस टेबल को अगर आपने देख के गए हो लास्ट में एक बार, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर दोगे। इन माइस्टर ने ये क्वेश्चन भी गलत कर दिया, भगवान क्या कर रहे हैं, है ना। चलो देखते हैं अपन। तो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल ए सिलोम बोला है उन्होंने, तो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल जो टीनोफोरा होता है वो भाई रेडिकल सिमेट्रिकल होता है, बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल जो होता है हमारा वो प्लेटी हेलमिंथिस होता है, प्लेटी हेलमिंथिस। ओके, और ये ए सिलोम भी होता है, प्लेटी हेलमिंथिस जो होता है वो ए सिलोम भी होता है। तो इसका क्वेश्चन कुछ नहीं, आप अगर यहाँ से पढ़ के चले आते तो काम बन जाता आपका, और क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको सारे टेबल्स बता रहे हैं, टेबल्स डायग्राम्स और इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स जो है, हाइलाइटेड टेक्स्ट, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है ये भी बहुत ही आसान है। अगर आपने जो फंगस जो एल्गीज है, एल्गीज में हमारे पास में फाइकोमाइसिटीज और ये सब जो आते हैं, रोडोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ये जो आ रही है इसमें देखो हमारे पास में क्या है, ये दे रखा है कि फ्लोरिडिन स्टार्च है स्ट्रक्चर सिमिलर टू, किसके सिमिलर स्ट्रक्चर रहेगा, तो एमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोप्रोटीन। हैंग गॉड, इनका आंसर सही निकला ये वाला। हो, द फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडिन स्टार्च विच इज़ वेरी सिमिलर टू पेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, बहुत ही सिंपल है। इनने कर दिया तो आपने तो कर ही दिया होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। ये देखो क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा था कि इस बार जो क्वेश्चन जो आए हैं वो सेल साइकिल से बहुत ही आसानी से, मतलब बस ऊपर ऊपर का पूछा, उन्होंने कुछ ज़्यादा पूछने की कोशिश नहीं करी है, ठीक है। तो यहाँ पर जीवन फेस के बारे में पूछा है। जीवन फेस क्या है भैया, जीवन फेस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन होता है, जीवन फेस में न्यूक्लियर डिवीजन होगा, क्यों वो काय में होगा, फिर एस फेज में होता है न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो कैरियोकाइनेसिस होती है। ओके, कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और डीएनए सिंथेसिस एस फेज में होएगा। ओके, तो ये भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे दे रखा है, सेल इज मेटाबोलिकली एक्टिव ग्रोन बट डज नॉट रिप्लीकेट एट डीएनए, पर यहाँ पर डीएनए रिप्लीकेशन नहीं होगा पर मेटाबोलिकली एक्टिव रहेगी। तो कुछ नहीं भैया, ये लाइन लिखी हुई है, देखो जीवन फेज यहाँ पर लिखी हुई है, जीवन फेज है हमारे पास में यहाँ पे, तो जीवन फेज जो है वो मेटाबोलिकली एक्टिव कंटिन्यूसली ग्रोइंग स्टेज है, तो है भाई, उसमें क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा वो फोर्थ वाला आ जाएगा। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, ओके, ये कॉकरोच के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो देखो जो हमारा जो टिश्यू वाला जो चैप्टर है,
टिश्यू वाला चैप्टर है, उससे भी बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे गए। और यहाँ पर जो ऑप्शन पूछे गए ना, जो ऑप्शन पूछे गए ना वो बड़े मज़ेदार लगे मेरे को। तो देखो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो दे रखा है कॉकरोच के बारे में कि हम उसको रिमूव, उसका अगर सिर निकाल देंगे तो फिर वो कितने दिन तक जिंदा रहेगा और क्यों, मतलब कितने क्यों जिंदा रहेगा वो, ऐसा पूछा हुआ। तो यहाँ पर जो हेड जो है वो 1/3 ऑफ द न्यूरोन को कर रहा है और डोर्सल पार्ट, ये लाइन सही है, बिल्कुल एनसीईआरटी की सही साइड है लाइन, पर ये लाइन इससे रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर क्लियर कट एनसीईआरटी में ये लाइन लिखी हुई है कि हेड जो है उसमें स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ न्यूक्लियर नर्वस सिस्टम होता है और रेस्ट जो होता है ना वो हमारा एब्डोमेन में होता है, पूरी यही की यही लाइन लिखी हुई है। ये वाला जो फोर्थ वाला पार्ट है वो यही का ही लिखा हुआ है, हेड होल्ड्स ए बीटी ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल द रेस्ट इज सिचुएटेड अलोंग द सेंट्रल बेली पार्ट ऑफ द बॉडी। तो कुछ नहीं, आपको एनसीईआरटी पढ़नी थी, ठीक है, मैं तो बस यही कहूँगा एनसीईआरटी, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी से मैं बता रहा हूँ आपको कहाँ से आ रहा है कॉकरोच वाला है जिसमें। मुझे तो लगता है ये जो जितने जो पेपर लिखा है उसने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं। हाँ एनसीईआरटी फालतू दूसरी चीज़ें पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ के जाओ ना, और वो भी इम्पोर्टेंट पढ़ रहे हैं उसमें। देखो ये वाला क्वेश्चन अब हमको हमारे अंशु डावी जी बताएंगे, बताइए अंशु डावी जी। तो नेकोकिन दैट इज द एंजाइम एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज का मैंने आपको बताया था डाइजेशन के चैप्टर में, ठीक है, इसके कन्वर्जन के जो हेल्प में जो ये एंटेरोकाइनेज होता है ये किसके हेल्प करता है कन्वर्जन, मतलब कि देखो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो जैसे हमारे पास में यहाँ पर कि यहाँ पर एक एंजाइम है ए, ठीक है, एक एंजाइम है यहाँ पर बी, ठीक है, वो हमको नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि ये वाला जो एंजाइम है ये यहाँ से कन्वर्ट हो रहा है विद प्रेजेंस ऑफ दिस एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज से ये मतलब ये एंटेरोकाइनेज से कन्वर्जन किसका होता है स्टूडेंट, आपको पता है कि जो मतलब कि जो कि एक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, एक्टिव इनएक्टिव फॉर्म में होता है, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने जैसे कि यहाँ पर ये इनएक्टिव फॉर्म में करते हैं, ठीक है, ये इनएक्टिव फॉर्म में यहाँ पे हाँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ट्रिप्सिनोजेन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में इसको कन्वर्ट कौन करेगा, एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज कन्वर्ट करता ट्रिप्सिन में, एंटेरोकाइनेज से, ठीक है, एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम होता है और ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है, किससे सीक्रेट होता है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है जिसका नाम हम बोलते हैं म्यूकोसा, इससे ये सीक्रेट होती है, ओके। तो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो दोस्तों कैसा लग रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप बताइए, हम ये 11th का ले रहे हैं, ये 11th का पोर्शन ले रहे हैं, इसमें हमारे पास में 48 क्वेश्चन है लगभग, चलो। और अगर आपको अगर अच्छा लगता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, तो हम 12th के भी इसी तरीके से डिज़ाइन कर देंगे कि क्वेश्चन आपके पास में रहेगा और उसकी एनसीईआरटी का जो लाइन है वो भी आपके सामने रहेगी, तो आपको एक फुल प्रूफ आइडिया हो जाएगा कि भाई क्वेश्चन आ कहाँ से रहे हैं, है ना, ठीक है। तो जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है ये हमारा न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से पूछा गया है, ईयर से पूछा गया है, तो ईयर में जो सबसे वही जो मैच द कॉलम है उनकी खास बात यही है कि आपको सिर्फ एक या दो पता लगाने हैं, बाकी अपने आप काम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में भी भैया ऐसा ही हुआ है, यहाँ पे जो ऑर्गन ऑफ कोटाई है, ऑर्गन ऑफ कोटाई क्या होता है, कहाँ पे प्रेजेंट होता है, अगर आपको एक चीज़ पता है कि ये पता है लोकेटेड ऑन द बेसिलर मेम्ब्रेन, बेसिलर मेम्ब्रेन में अगर पता है आपको तो आप इसका आंसर आसानी से लगा दोगे 1/4 और इसका आंसर आ जाएगा 4, ओके, ठीक है ना, 1/4 और 4, तो ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, अंशु अलग हटो थोड़ा सा, द ऑर्गन ऑफ कोटाई इज द स्ट्रक्चर लोकेटेड इन द बेसिलर मेम्ब्रेन, सिंपल सी, और मैंने बताया हाईलाइट में फिर से, और डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
तो ये आप आसानी से अगर एक ही कर दोगे तो बाकी तो पता चल ही जाएगा। और आपको पता ही होगा स्टेचियन ट्यूब जो होता है वो हमारे फेरिंग्स जो रहता है, ओरो फेरिंग्स जो, नेजो फेरिंग्स जो रहता है उसको हमारे जो मिडिल ईयर होता है उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, मतलब कोशिश क्या करता है, कनेक्ट ही करता है ना। और उसके बाद में स्टेपीज जो होती है वो बोन है हमारी, कोकलिया जो होता है वो स्ट्रक्चर बना हुआ है आपके सामने। तो आप अगर एक क्वेश्चन को कर दोगे स्मॉलेस्ट बोन है ना, ईयर की सबसे, ईयर ओसिकल की सबसे स्मॉलेस्ट बोन, ईयर ओसिकल्स की अपनी पूरी बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। और सबसे लार्जेस्ट बोन कौन सी है, फीमर, स्ट्रॉन्गेस्ट बोन फीमर, ये वाली, ठीक है ना। हाँ तो चलो आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका फोर्थ आंसर आएगा, आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका आंसर एनसीईआरटी में, आप डायग्राम के पीछे देख सकते हो। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया है वो रेस्पिरेशन से पूछा गया है। फिर क्या क्वेश्चन पूछा है यहाँ पे, रॉन्ग स्टेटमेंट पता करना है हमारे पास में ट्रांसपोर्ट और ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो जो ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आधे क्वेश्चन तो यूँ सोल्व कर दोगे। अब कुछ नहीं, एल्वियोलाई में अलग थोड़ा चेंज रहता है सीन, और फिर हमारे जो हम जाते हैं टिश्यू में तो वहाँ पे अलग सीन चेंज हो जाता है। तो हमारे एल्वियोलाई में क्या होता है, हमको ऑक्सीजन को बाइंड करना है और CO2 को निकालना है, ओके। तो इसके लिए हमारे पास में एल्वियोलाई में क्या है कि ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होना चाहिए, PCO2 जो है वो कम होनी चाहिए, हाइड्रोजन जो है वो भी कम होना चाहिए, और टेम्परेचर जो है वो भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ पता है कि हाइड्रोजन कम होना चाहिए। अब यहाँ पर जो NCERT वाले लोगों हैं उन्होंने किया है कि हाई एच प्लस आयन इन एल्वियोलाई फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, तो ये तो गलत हो गया ना, ये रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। अब बाकी आप देखोगे तो वो बाकी सारे के सारे सही स्टेटमेंट है, ओके। तो ये लाइन अगर आपने ये इधर से पढ़ रखी है, समझ रखी है, तो आप कर दोगे। फोर्थ क्वेश्चन इसका आंसर आ जाएगा, फोर्थ वाला, इसने देखो कितने आसानी से सही करा आंसर इसका, ओके। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, इसमें करेक्ट करना है, इसमें करेक्ट पूछा गया है हमारे पास में, तो करेक्ट कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट दे रखा है कि इंसुलिन एसोसिएटेड विद हाइपरग्लाइसीमिया, भैया इंसुलिन का अगर इंजेक्शन दे देंगे तो कोमा में चले जाएगा, ठीक है। तो ये हाइपरग्लाइसीमिया तो करा ही नहीं सकता, हमने मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, ये सब हमारे अंशु डावी सर ने पढ़ा रखा है, ओके। तो अब हम अगला चलते हैं, इंसुलिन जो है वो भैया हाइपरग्लाइसीमिया नहीं कराता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया कराता है, ओके। आप अगर मेडिकल में जाओगे, अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो अब जगह जगह हमको यही पढ़ना पड़ता है कि इंसुलिन क्या कर रहा है, इंसुलिन के इंजेक्शन दे रहे हैं, डायबिटीज़, अभी आपने कोरोना में भी देखा होगा कि भैया निपटने वाले जो अभी जा रहे हैं ऊपर वो कौन है, जिनको इंसुलिन है, या इंसुलिन क्या, सॉरी डायबिटीज़ है, जिनको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, उनको ही जा रहे हैं। तो ये बहुत कॉमन सी डिसीज़ है, इसीलिए जो क्वेश्चन भी जो पूछा गया है ना, जो इम्यूनिटी पावर होती है वो इस ओके। तो यहाँ पर हमारे पास में जो इंसुलिन है ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया, ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लाइकोजियोजेनेसिस, ग्लूकोकोर्टिकोइड ये सब स्टिमुलेट नहीं करते, ये सिर्फ ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, नॉट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। तो यहाँ पर आ जाएगा ग्लाइकोजन इज एसोसिएट विद हाइपोग्लाइसीमिया, इसका उल्टा दे दिया, ग्लाइकोजन भैया, ग्लाइकोजन क्या करता है, वो ग्लूकोज को बढ़ाता है, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाएगा, ग्लूकोज को ब्लड में बढ़ाएगा ग्लाइकोजन। तो हमारे पास में आ जाएगा कि ग्लाइकोजन जो है वो हाइपरग्लाइसीमिया करवाता है, तो ये क्वेश्चन भी गलत हो जाएगा। तो हमारे पास में आ गया इंसुलिन एक्ट एस पेंक्रियाटिक सेल्स एंड एडिपोज सेल, तो हमारे पास में इसका ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, करेक्ट ऑप्शन जो रहेगा हमारा वो ग्लूकोकोर्टिकोइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये दिख रही लाइन आपको, NCERT की लाइन लिखी हुई है, ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके। तो हमारे पास में ग्लूकोकोर्टिकोइड्स जो रहते हैं वो क्या करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा सेकंड, NCERT की लाइन है पूरी, आपने अगर पढ़ रखी है हार्मोनल वाले चैप्टर्स में तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर दोगे, ओके। अगले उसके तरफ बढ़ते हैं हम, क्या हुआ, ओके चलो। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड। देखो भैया मैं बता दूं, बायो मोलिक्यूल जो चैप्टर जो है ना वो बायो में भी है और 12th की NCERT में भी आ जाएगा, केमिस्ट्री में भी है, तो आपको मतलब डबल फायदा अगर आप बायो एक जगह से भी पढ़ रहे हो, बायो मोलिक्यूल जो था ना वो केमिस्ट्री का एक पार्ट है, छोटा सा, हाँ उसका छोटा पार्ट है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने बायो मोलिक्यूल अगर एक जगह से पढ़ रखा है तो आपको हर जगह काम देगा वो, तो इसीलिए जैसे बेसिक अमीनो एसिड वहाँ पे भी दे रखे हैं, यहाँ पे भी दे रखे हैं। अब यहाँ पर इन महाशय ने गलत कर दिया, यहाँ पे लाइसिन आएगा इसका आंसर, फोर्थ आंसर आएगा, लाइसिन आंसर आएगा इसका,
और वो चीज़ आपको बहुत ही जो ये वाला चैप्टर है उसमें बड़ी आसानी से दे रखी है यार। देखो यहाँ पे जो दे रखा है वो बेसिक अमीनो एसिड जो है वो कौन सा है, लाइसिन है। लाइसिन हमारा जो है वो बेसिक अमीनो एसिड है। ओके, तो इसमें कोई, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन की बात होनी नहीं चाहिए। ओके, तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था बिल्कुल, और पूरा एनसीईआरटी था, कुछ ऐसी अलग नहीं था इसमें। अब ये वाला क्वेश्चन जो था ये थोड़ा सा एनसीईआरटी से हटके था, जो मैं बात कर रहा था दो क्वेश्चंस की के कुछ अलग आ गया थोड़ा सा, बस ये भी आपसे रिलेटेड ही, आपको पता होना चाहिए कि जो सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म होता है भाई, हमने बहुत बड़ी टेबल पढ़ी है सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म की। सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म में एल्कलॉइड्स आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं, मेडिसिन आती है, रबर आता है, ये सब आता है। पर उनने क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर दिया कि प्लांट में इसका क्या यूज़ होता है। तो प्लांट में इसका यूज़ जो होता है वो डिफेंस में यूज़ होता है। ओके, प्लांट में इसका यूज़ जो होता है वो डिफेंस में यूज़ होता है। जो निकोटीन रहता है वो, अगर जैसे कि जो टबेको प्लांट जो होता है, टबेको प्लांट में आपने एग्जांपल एनसीईआरटी में देखा होगा, तो उसमें ये क्या करेगा कि डिफेंस का काम करता है, डिफेंस का काम करता है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। हाँ, मैंने फिर से बताया कि डायबिटीज़ मेलाइटस पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर, डायबिटीज़ मेलाइटस पे दो क्वेश्चन आए हुए हैं। ग्लूकोज मतलब इंसुलिन से रिलेटेड जो हैं वो दो क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ पर। तो अगर आप, क्योंकि इंसुलिन आज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो देखते चलो इस क्वेश्चन को हम। यहाँ पे कंडीशन यूरिन आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस में क्या होगा भैया? डायबिटीज़ मेलाइटस में हमारा कीटोन यूरिया और ग्लूकोसूरिया होगा। मतलब कीटोन बॉडीज हमारी यूरिन में हमको मिलेगी और ग्लूकोज भी हमारी यूरिन में प्रेजेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पर जो लिख रखा है वो डायबिटीज़ मेलाइटस में वो लिख रखा है यहाँ पे कि लॉस ऑफ ग्लूकोज थ्रू यूरिन, मतलब ग्लूकोसूरिया। ओके, और लॉस ऑफ कीटोन बॉडीज, इसको क्या बोल देंगे हम, कीटोनूरिया। ओके, तो ये दो चीज़ हो रही है यहाँ पर, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो फोर्थ वाला आ जाएगा। ओके, ये यहाँ पर गलत है, इन जिनने किया है गलत किया है भाई साहब ने। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे ये वाला क्वेश्चन भी फिर से आपको बता दूं मैं कि ये वाला क्वेश्चन एनिमल किंगडम से पूछा गया है और इस जगह से पूछा गया है। एनिमल किंगडम में आपने ये वाली टेबल्स देखी होगी, ये वाला डायग्राम देखा होगा पास में। ओके, फोर्थ चैप्टर में ये वाला डायग्राम यहाँ से पूछा गया है। तो आपने अगर कोऑर्डिनेट्स को अच्छे से क्लियर कर रखा है तो आप इस आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। अब यहाँ पे यूरो कोऑर्डिनेट्स में क्या बोल रखा है कि नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल, हेड टू टेल। यूरो कोऑर्डिनेट्स में ऐसा नहीं होता है, वो सिफेलो कोऑर्डिनेट्स में ऐसा होता है। ओके, यूरो कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होती है हमारी नोटोकोड। ओके, तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब बी ऑप्शन जो है वो क्या है, इन वर्टिब्रा नोटोकोड इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ लाइफ। तो हाँ सही है, ये जो वर्टिब्रा होती है हमारी वो एम्ब्रियोनिक पीरियड में प्रेजेंट होती है हमारी नोटोकोड पे, उसके बाद में वो चेंज हो जाती है वर्टिब्रा में, वर्टिब्रल कोलम जो जिसको रिप्स बोलते हैं उसमें चेंज हो जाती है स्पाइनल कोड। ओके, नोटोकोड। तो और जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो हमारा कैसा होता है, डोर्सल और होलो होता है, डोर्सल और होलो होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आपने एक क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन नेट में आया हुआ 2020 का, डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद ब्रेस्ट बॉर्डर ऑफ माइक्रोवेरा इज फाउंड इन। ठीक है, देखो माइक्रोवेरा आपको पता है, ठीक है, इसके जो ऊपर जो वो जो ऊपर सेंसेशन जो रहता है इसकी बात यहाँ पर की जा रही है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात यहाँ पर की जा रही है। तो वो कहाँ पर होती है इतार से पूछा गया है, ठीक है, कि जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो होती है वो कहाँ पर होती है इतार से पूछा गया है। तो इसका आंसर आएगा, दैट इज इन भाषा में सही किया है बेसिकली, वेरी गुड, जिसने भी किया आपको वेरी गुड बोलना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब PCV, ठीक है, PCV नेफ्रॉन की जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब होती है वहाँ पर ये जो माइक्रोविला होती हैं ये होते हैं। ओके, ठीक है, तो ये की यही लाइन हमारे, यही लाइन यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखी है, एनसीईआरटी चैप्टर 7 जो है हमारे पास, जो टिश्यू वाला जो चैप्टर है स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन वाला, उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर एपिथेलियम और प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ नेफ्रॉन इन द किडनी हैज माइक्रोविलाय। ओके, अब माइक्रोविलाय के चक्कर में आप लोग इंटेस्टाइन वाला मत करके आ जाना। ओके, यहाँ पे आप बात हो रही है क्यूबॉइडल एपिथेलियम की, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बात होगी तो अपनी डक्ट्स आती है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब, और क्या आ जाएगा हमारा
सारी ग्लैंड्स आ जाती है डक्ट्स, ओके तो वो आ जाती है. सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इंटरेस्टिंग. तो हमारे पास में जो ये वाला क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन है हमारा वायरोइड के ऊपर. वायरोइड के ऊपर वायरस के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, वायरोइड के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ये वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर में से, ये चैप्टर सेकंड वाला चैप्टर है, तो इस चैप्टर में से बेसिकली क्वेश्चन जो रहते हैं वो वायरस और वायरोइड के आसपास ही घूमते रहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया वो यही पूछा गया है कि हमारे पास में जो वायरोइड है वो कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट बताना है इसके लिए. तो हमारे वायरोइड के अंदर जो होता है वो होता है फ्री आरएनए होता है, और प्रोटीन जो रहता है, प्रोटीन कोड जो होती है वो अब्सेंट होती है. लेक ऑफ प्रोटीन कोड, ठीक है. तो जब ये हमारे पास में अब्सेंट रहेगी और ये होगी, तो इसका आंसर क्या आ जाना चाहिए, थर्ड वाला, फ्री आरएनए और विदाउट प्रोटीन कोड. ओके, तो ये वाला थर्ड ऑप्शन जो है इसका सही है. जो हमारे जो महाशय जो है, ओके, उन्होंने यहाँ पर जो आंसर किया वो पहले ही गलत कर दिया इसको, कि ये नहीं आएगा, बाकी कुछ सा भी हो सकता है, ठीक है. तो ऐसा नहीं करना है आपको, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना है, उसके पैटर्न को देख के पढ़ना है, ठीक है. इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला. तो हम अगले उसमें चलते हैं. ओके, लेट मी मूव टू द क्वेश्चन. ये वाला क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ मेरे को लगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो शुरुआत में डाले थे जिन्होंने, उनके उसमें देखा मैंने, तो उनमें जो आंसर दे रखा है वो थर्ड वाला दे रखा है, कि वन मॉलिक्यूल्स ऑफ C3 कार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं. पर फिर जब मैंने NCERT में उसको खोजा, NCERT में पता चला, हमारे पास में प्रूफ है, हमारे पास में प्रूफ है. देखो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, द एंजाइम रूबिस्को कार्बोक्सिलेज विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA, ठीक है. तो यहाँ पर जिसकी बात हो रही है, जिसके फॉर्मेशन की बात हो रही है, वो 3PGA, और वो कितने मॉलिक्यूल हैं, यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 2 मॉलिक्यूल दे रखे हैं. एनसीईआरटी में लिखा हुआ 2 मॉलिक्यूल. और आपने जब इस क्वेश्चन, जब ये चैप्टर पढ़ा होगा, तो लास्ट में आपने इस टेबल को भी सोल्व किया होगा, और अगर जिसने भी इस टेबल को अच्छे से सोल्व किया होगा, वो इस क्वेश्चन को आसानी से कर देगा, ठीक है. क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोड्यूस, क्या होगा, नंबर ऑफ कार्बन 3 नंबर कम, अगर C3 की बात करें तो 3 कार्बन रहेगा, C4 की बात करें तो 4 कार्बन रहेगा, ओके, तो यही रहेगा. और कितने नंबर ऑफ रहेंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ, इसमें 2 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो मेरे ख्याल से आंसर जो होना चाहिए वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ 3 कार्बन कंपाउंड होना चाहिए. और अगर आपको, अगर इसका कोई अलग से पता है सही साइड प्रूफ, तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि मुझे तो यही लगता है. ओके, आप कमेंट करके बता सकते हैं हमको कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. अगर सही है तो लाइक कीजिए. तो यहाँ पर देखो क्या है, कि यहाँ पर एनसीईआरटी बेड को पूछे जा रहे हैं, ठीक है. तो मैं आपको पढ़ाता हूँ एनसीईआरटी बेड, ठीक है. और एनसीईआरटी बेड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट से भी मिलते हैं हर लेक्चर के बाद में, ठीक है. और उसके जो टेस्ट है, आप उसके टेस्ट जो MTG से कर सकते हो, ठीक है. MTG के जो PDF है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया करूँगा, ठीक है. तो ये हमारा जो क्वेश्चन जो था वो 13 चैप्टर से था, ओके. तो आपको वहाँ पे क्रेब साइकिल मिल जाएगा, कार्बोक्सिलेशन, वहाँ से ये लाइन आप पढ़ के क्लियर कर सकते हैं अपने डाउट को. अगर आपको क्लियर अभी भी नहीं हो रहा है, अपने NCERT में देख लीजिए, मेरी NCERT आपकी NCERT सेम ही है ना, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमको, अरे हाँ, हमारा अंशु डाली बताएंगे आपको ये वाला आंसर. चलो, तो हमने यहाँ पर सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ रखा है, ठीक है. क्या पढ़ रखा है, देखो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी MTG में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा था पहले ही, ठीक है. आप उस लेक्चर को जाके देख सकते हो, ओके. तो यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं फॉलोइंग कॉलम दे रखा आपको, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना, ठीक है. ये सिनोफिल क्या करती है बोलो. यस, ये सिनोफिल क्या करती है, ये सिनोफिल जो है ये ग्रेनुल सीक्रेट करती है, राइट, ठीक है. हिस्टामिन कंटेंट करती है, ओके. तो देखो, सही करा तो क्या, तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर, कि फर्स्ट का जो आएगा ये यहाँ पर ये सेकंड वाला आ रहा है, ठीक है. फर्स्ट का थर्ड वाला आएगा, ठीक है. ये सिनोफिल का थर्ड वाला आएगा, ठीक है.
रिलीज हिस्टामिन से डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, ठीक है, ये सब आएगा। उसमें देखो बी वाला जो हमने पढ़ा है वो फोर्थ वाला आएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया तो उसकी ट्रिक एच टू एस से याद करना है, एच टू मतलब दो, ठीक है, एच टू मतलब दो होता है हिस्टामिन हिपेरिन सेरोटोनिन, ओके। तो हमने ये सब पढ़ा है, राइट। तो बी का आएगा फोर्थ, ठीक है। एंड देख सकते हैं आप क्लियरली कि सी वाला जो है, सी वाला जो ऑप्शन है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, ठीक है, सी वाला जो होता है वो सेकंड आएगा, ठीक है। फेगोसाइटोसिस होती है, हमने पढ़ा था, राइट। तो इसका बेसिकली जो आंसर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, सेकंड वाला आंसर इसका आएगा। आप अगर एक क्वेश्चन भी अगर आपने यहाँ पर आपने भैया इतना पता लगा लिया कि यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन क्या न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल है, अगर वो फेगोसाइटोसिस करती है, न्यूट्रोफिल मोनोसाइट फेगोसाइटोसिस करती है, एनसीईआरटी की लाइन है यहाँ पर, ओके, इस डायग्राम के ऊपर दिख जाएगी आपको। तो यहाँ पर जो न्यूट्रोफिल जो है हमारे पास में वो फेगोसाइटोसिस करती है, तो सी का क्या आ रहा है हमारे पास में, सेकेंड वाला। तो अगर हम सी का सेकेंड वाला देखें तो यहाँ पर हमको दो ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, ओके। तो आपको एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा, जैसे लिम्फोसाइट, अगर लिम्फोसाइट की बात करें तो ये हमारा इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है, ओके। लिम्फोसाइट टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट जो होता है, एक भी पता नहीं होगा तो भी चलेगा, ओके। तो आपने अगर इसको पता कर लिया है तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड वाला, ओके। और जिसको नहीं पता होगा वो फिर कंफ्यूज होगा, 50-50 फिर गलत करके आएंगे, और एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है यहाँ पर एनसीईआरटी की लाइन में, यहाँ पर इसमें, ओके। तो आप क्लियरली पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो फिर से रेस्पिरेशन का आया है। रेस्पिरेशन का इससे पहले एक क्वेश्चन आया था डिसोसिएशन कर्व, जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है उसके ऊपर आया था, ओके। तो इस क्वेश्चन में आया है हमारा जो इंस्पायरेशन जो होता है वो कैसे हो रहा है भैया, इंस्पायरेशन जो हो रहा है उसमें हमारा दो चीज़ का कॉन्ट्रेक्शन होता है, एक तो डायफ्राम का कॉन्ट्रेक्शन होता है और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल का कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो दो चीज़ का कॉन्ट्रेक्शन होता है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास में, ये गलत है, इसका आंसर आ जाएगा ए और बी आएगा, इसने फिर ये गलत कर दिया है क्वेश्चन, इसके टिक्स पे मत जाइए आप, हम जो बता रहे हैं इसका आंसर आएगा वो सेकेंड वाला आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, फिर देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन जो है वहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ डायफ्राम हो रहा है, ये लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद में इंटरकोस्टल भी, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल भी लिखा हुआ है, तो आप इस वाले इससे आप पता कर सकते हो कि मैकेनिज्म ऑफ कॉन्ट्रेक्शन में, तो ये आपको पता होना चाहिए। बाकी दो ऑप्शन तो गलत ही है, पल्मोनरी वॉल्यूम जो रहेगा वो डिक्रीज नहीं इंक्रीज होना चाहिए, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज होना चाहिए, तभी तो गैस अंदर आएगी, ओके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा सेकेंड वाला, सेकेंड वाला इसका आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये फिर हमारा बायोमोलिक्यूल से आया है भैया। बायोमोलिक्यूल के अभी तक हमने तीन क्वेश्चन सोल्व कर लिए, तो आप देख लो, अब मैं बताने की जरूरत नहीं है, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है अब कि कितना इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ओके। तो जो बायोमोलिक्यूल है इसमें क्या है बेसिकली, तो यहाँ पर हमारा जो ये वाला इसका जो ऑप्शन जो है इसमें हमारे पास में दे रखे भैया, ये जो है ना, ये आप अगर आप नाइन्थ क्लास में भी पूछ लोगे तो बता देगा बहुत सारे मतलब इंटेलिजेंट जो लेते हैं वो। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है हमको, ए ओ टी एडीनिन और थायमिन जो है उसके बीच में कितने बॉन्ड होते हैं ये बताना है आपको। तो ये तो आपको कर ही देना चाहिए, देखो इनने भी कितने आसानी से कर दिया है सोल्व, सही कर दिया कि नहीं कर दिया है ना, देखो। तो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड, तो और ये आपको बायोमोलिक्यूल में भी मिल जाएगा, बायोलॉजी में भी मिल जाएगा, और केमिस्ट्री में भी मिल जाएगा, मैं बता रहा काहे में पता किस किस में मिलेगा ये चीज़, तो हर जगह पढ़ोगे आप है ना। तो इसका आंसर जो है वो सेकेंड वाला आ जाएगा, इसमें ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत घिसा पिटा क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द एनिमल, एनिमल की बात हो रही है मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन की, तो इसमें हमारा कोलेजन आ जाएगा, ओके। कोलेजन जो है हमारा वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड है, ओके। एनिमल वर्ल्ड में हमारा कोलेजन आ जाएगा, ये लिखा हुआ है, कोलेजन इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड। उसके बाद में जो रूबिस्को है वो मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन द होल ऑफ द बायोस्फीयर, ये भी चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि दो चीज़ अलग अलग दे रखी है यहाँ पे, तो कंफ्यूज करने के लिए हो सकता है आपको कंफ्यूज करे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसका आंसर थर्ड आ जाएगा, सिंपल है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये हमारा थर्ड चैप्टर से लिया गया है, प्लांट फिजियोलॉजी से लिया हुआ है,
और प्लांट फिजियोलॉजी में मैं आपको बता दूं, जो ये क्लोरोफाइसी इसके ऊपर मिल जाएगा आपको, क्लोरोफाइसी जो टॉपिक है उसके ऊपर जस्ट लिखा हुआ है कि कोलेरा जो है वो हमारी यूनिसेलुलर एल्गी है और स्पेस में जो स्पेस ट्रेवलर्स होते हैं उनके लिए ये बहुत यूज़फुल होती है। तो आप इसका एक ऑप्शन देख के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं कि क्लोरेला जो है वो ऑप्शन में आया है तो आप लगा दिए टिक, ओके। जबकि एक और एग्जांपल भी है स्पाइरुलिना, ओके, तो वो भी हो सकता है। तो इसका आंसर जो है वो सही है बिल्कुल, ओके। इसका आंसर वन जो है इसका वो सही आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, तो चलिए भाई साहब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। आपकी स्क्रीन के सामने हमारा अगला क्वेश्चन ये रहा, तो हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन ये रहा तो इस क्वेश्चन में हमारे पास में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है प्लांट एनाटॉमी से क्वेश्चन पूछा गया है। सेपवुड हार्डवुड पे क्वेश्चन पूछा गया है, से जो ये वाला क्वेश्चन है, अगर ये टॉपिक इस टॉपिक से आपको आसानी से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, कुछ नहीं है, सारी की सारी लाइनें उतार दी उन्होंने यहाँ पर कि जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में वो पता करना है, तो सारे करेक्ट स्टेटमेंट उतार दिए और एक गलत स्टेटमेंट लिख दिया। और वो गलत स्टेटमेंट क्या है, सेपवुड इज द इनर मोस्ट सेकेंडरी जाइलम इन द लाइट। देखो भैया ये जो है ना वो होता है हमारा इनर वाला होता है, इनर मोस्ट नहीं होता, पेरीफेरल होता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द पेरीफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम इज द लाइटर इन कलर, ओके। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो फोर्थ वाला आ जाएगा, इनकरेक्ट जो है, ठीक है ना। बाकी जो सारे हैं वो करेक्ट हैं कि हार्डवुड जो रहेगा वो वाटर कंडक्ट करेगा, सेफवुड जो है वाटर कंडक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में जो ये जो रहता है वो कलर डार्क कलर किसी वजह से हो जाएगा, रेनिन टेनिन ऑयल की वजह से होएगा हमारा डार्क कलर, ओके। तो बाकी थ्री ऑप्शन सही है, ये वाला गलत है हमारा, यहाँ से मिल जाएगा आपको ये वाला चैप्टर सिक्स, ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं अगले की तरफ बढ़ते हैं, फिर से सेल साइकिल से क्वेश्चन पूछा गया, सेल साइकिल से हमारे तीसरा क्वेश्चन है ये, थर्ड क्वेश्चन जो है वो सेल साइकिल से, पहला क्वेश्चन जो था वो हमारी वो हार्ट ऑफ बायोलॉजी जिसको बोल सकते हैं हम वहाँ से था, फिर सेकंड क्वेश्चन जो था वो G1 फेज से था कि मोस्ट एक्टिव फेज है। अब थर्ड क्वेश्चन जो है उसके अगले पेज पे आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे एम फेज लिखा हुआ है, उसके जस्ट ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे G0 फेज पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाएंगे और अभी भी पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, G0 फेज जो है हमारे पास में वो पूछा गया है कि G0 फेज के पहले कौन सा फेस रहता है, मतलब G0 फेस में इंटर करने से पहले सेल कौन से फेस में रहती है। तो सेल कौन से फेस में रहती है आपको दिख रहा है यहाँ पे, एग्जिट G1 फेज, G1 फेज को एग्जिट मतलब वहाँ से निकल के, G1 फेज से निकल के वो कहाँ चली जाएगी, G0 फेज में चली जाएगी। तो ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, कोई इसमें घुमाया फिराया गया नहीं है क्वेश्चन को, सीधे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर G1 आएगा यहाँ पर एस गलत है, ये गलत है, ओके। ये भैया क्या यार, ठीक है चलो, ये वाला क्वेश्चन डाइजेशन का है और चलो करेंगे बताओ। चलो तो यहाँ पर हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का हमने ये वाला चैप्टर पढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना, देखो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अलावा स्वयं ड्यूडेनम, ड्यूडेनम से क्या वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो अरे होता है क्या, नहीं होता, ठीक है नहीं होता, ठीक है। आपको पता है कि ड्यूडेनम जो होता है वो इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, जबकि जो जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन जो सीगम होता है उसके अंदर जाके खुलता है, ओके? बिल्कुल सही। तो सेकंड वाला देखते हैं यहाँ पर, इलेम ओपन इंटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। लेकिन और ये क्यों गलत है भैया, इलियम खुद एक स्मॉल इंटेस्टाइन है और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपन अंदर ओपन हो रही है, मतलब क्या ऑप्शन दिया आप इसको आसानी से गेस कर सकते हो कि ये तो ऑप्शन होना ही नहीं चाहिए, हाँ बिल्कुल नहीं होगा ये सेकेंड वाला ऑप्शन भैया, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो यहाँ पर देखो इनर मोस्ट लेयर सीरियस है, जबकि आउटर आउटर मोस्ट लेयर होती है, आप क्लियरली देख सकते हो, ठीक है। हमने वो डायग्राम बना कर पढ़ा था, ठीक है। तो देखो इलेम इज ए हाईली कॉइल्ड पार्ट, जो इलेम जो होता है वो हाईली कॉइल्ड पार्ट होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है वो ये हाईली कॉइल्ड, देखो आप हाईली कॉइल्ड इलेम बस इतना लिखा हुआ, डाइजेशन में आपको पता चल जाएगा। चलो बढ़ो आगे, ओके। तो अगले क्वेश्चन जो है वो भी सही में आ रहे, डायबिटीज मलाइटस बार बार आ रहा
क्या करूँ अब इसका मैं, डायबिटीज मेलाइटस। चलो तो अब डायबिटीज मेलाइटस पे क्या है, इसमें डायबिटीज मेलाइटस कितनी बार बताऊँ मैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से है ना, तो ए का क्या आ जाएगा, सेकंड वाला, ए का सेकंड वाला किधर दिख रहा है, हाँ ये रहा ए का सेकंड वाला, फर्स्ट वाला ऑप्शन। तो भाई आप एक क्वेश्चन को करके पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, ओके। बाकी आपको ग्रेव्स डिसीज ये नहीं पता होगा फिर भी चलेगा, डायबिटीज इंसिपिडस जो है वो हमारा एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड है, ओके, और एडिसन्स डिसीज है वो इससे रिलेटेड है, ये सारे आपको नहीं भी पता है तो चलेगा, आपको बस इतना पता होना चाहिए कि भाई डायबिटीज़ क्या है, डायबिटीज ठीक है ना। तो ये में कोई खतरनाक डायबिटीज़ डायबिटीज़ बड़ी खतरनाक है। चलो जो तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, ये भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन दे दिया है इनने, अगर आपको क्रेब साइकिल अच्छे से पता है तो इसको अब बोलेंगे कि यार क्रेब साइकिल ही नहीं, सिट्रिक एसिड साइकिल, सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल अब इतना खतरनाक है, ये ऐसा साइकिल है फर्स्ट ईयर में भी परेशान करके रखता है बच्चों को परेशान, मैं भी घिस घिस के रट रट के लिख देता था फिर वापस भूल जाता था, अभी भी है आगे भी रहेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है तो इसको तो याद कर लो क्योंकि फिर आगे भी काम आने वाला है तुमको ये फर्स्ट ईयर में, ठीक है। तो सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन कितने, मतलब वन टर्म में कितना होएगा नंबर ऑफ कितना होएगा, तो वो वन रहेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो यहाँ पर GTP प्रोड्यूस हो रही है वो एक टाइप का क्या है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है, सबस्ट्रेट लेवल ऑफ फॉस्फोराइलेशन है तो यहाँ पर कितना प्रोड्यूस हो रहा है वो वन, एक साइकिल में एक सर, ठीक है, तो इसका आंसर वन आ जाएगा, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ पर लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन जो है वो भी बिल्कुल आसान है, मैं बोल रहा हूँ अब हर चीज आसान है आसान है आसान है थोड़ा संदीप माहेश्वरी जैसा नहीं बोल रहा ठीक है ना। तो द रूट्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम आर, स्टेम के बेस से जो रूट्स निकलती है उनको क्या बोलेंगे हम, उनको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट, क्या बोलेंगे हम, फाइब्रस रूट बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है यहाँ पर वही डार्क कलर में लिखा हुआ है बिल्कुल, बेचारे NCERT वाले लोगों ने कि ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे, ये वाला क्वेश्चन पूछेंगे ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो स्टेम से बेस से जो निकल रही है रूट वो कौन सी निकल रही है, फाइब्रस रूट, ओके आसान है बहुत, ठीक है ना, सेकंड वाला हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम ड्यूरिंग, अब ये वाला जो क्वेश्चन जो है वो 15 चैप्टर से पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, और लॉग फेज और ये सब जो आते हैं उसमें उससे पूछा गया है। तो कुछ नहीं, आपको बस इस अगर इस ग्राफ को अच्छे से समझ रखा है आपने, इसमें तीन चार स्टेजेस रहती है, लॉग फेज, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, फिर स्टेशनरी पीरियड आ जाता है, एक फेज आ जाता है, तो बस उसमें आपने देख रखा होगा कि यहाँ पर जो सबसे मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है, सबसे मैक्सिमम ग्रोथ किस टाइम पर रहेगी, सबसे मैक्सिमम ग्रोथ जो होती है वो हमारी होती है लॉग फेज में, सबसे लॉग फेज जो होता है वो हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, मैक्सिमम ग्रोथ होती है उसमें, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो सेकंड आ जाएगा, और देखो इनने सही भी किया आंसर है ना, और आंसर सेकंड ही आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े आगे, इतनी हंसी क्यों आ रही मनु। तो दोस्तों हमारा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो स्ट्रोबियम और कॉर्न आर फाउंड इन, अब आपने इस डायग्राम को अगर अच्छे से केयरफुली ऑब्जर्व किया होगा तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्ट्रोबिलस लिखा हुआ है, और ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है कि जो स्ट्रोबियाई जो और कॉर्न्स जो होते हैं वो किस में होते हैं, सिलेजनेला और इक्विस्टम में होते हैं, ओके। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, ना कि सेकेंड वाले, और बाकी तो ऑप्शन जैसे मर्चेंटिया हो गया ये तो ब्रायोफाइटा में आते हैं भैया, ये कैसे आ जाएंगे इसमें नहीं आएंगे ये। तो इसका आंसर जो आएगा वो फर्स्ट वाला आएगा, इक्विसेटम इसका आंसर आएगा, ओके। डायग्राम अच्छे से देखा करो NCERT के। आगे अगला क्वेश्चन जो है वो हमारे बोन से रिलेटेड है, और आप जब फर्स्ट ईयर में आओगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, आप आने वाले फ्यूचर डॉक्टर की अभी एग्ज़ाम हुई है, आने वाली बेच आने वाली है, ओके। तो आप बोन्स को ऐसे जैसे कि आसपास जैसे खेलते हैं ना बच्चे खिलौनों से, वैसे बोन आपके आसपास पड़ी रहेगी ऐसे इधर उधर, तो आपको ये अभी ऐसा लग रहा होगा कि यार ये क्या बना दिया, इधर हाथ बना दिया, इधर क्या बना दिया, अब पर उसको हाथ को ऐसे लेके घूम रहे हो आप हाथ को ऐसे, ठीक है। तो बड़ा मज़ा आएगा आपको फर्स्ट ईयर में, आई होप आपका सिलेक्शन होगा, ओके।
तो चलो अब अपने अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो फ्लोटिंग रिफ्स जो होती है, फ्लोटिंग रिफ्स का जो इसका जो आंसर है वो आएगा वन वाला। तो कैसे आएगा आपको कुछ नहीं, अगर इनमें से एक दो भी आपको पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। जैसे स्केपुला का एग्जांपल लूँ मैं, तो स्केपुला जो होती है वो हमारी कौन से वर्टिब्रा के बीच में होती है, तो सेकेंड और सेवंथ रिप्स के बीच में होती है ना, सेकेंड और सेवंथ रिप्स के बीच में होती है। तो आपको कुछ नहीं, अपने बॉडी को ही देख के अपनी बॉडी को देखो और उसी से याद करना है, तो उससे ज़्यादा आसानी से याद होएगा आपको। तो आप है ना कबीर सिंह जैसे लिख भी सकते हो, कबीर सिंह फिल्म देखी होगी, अभी आपका पेपर हो गया तो आप देख भी सकते हो कबीर सिंह फिल्म, अभी बहुत सारी फिल्म देखोगे आप, तो वो ऐसे लिख लेता है वहाँ पे हाथ पे अपने कि भाई ये मसल है, ये मसल है, ये वाली मसल है, तो आप वैसे भी याद कर सकते हो गजनी बन के। ठीक है ठीक है, तो इसका जो आएगा स्केपुला जो होगी वो कौन सी आएगी, सेकेंड से सेवंथ रिप्स के, मतलब तो अपने पास सी का फर्स्ट वाला आ गया। अब सी का फर्स्ट वाला आ गया, सी का फर्स्ट में दो दे रखे हमारे पास में यहाँ पर, ओके सी के फर्स्ट में दो दे रखे हैं। अब एक्रोमियम जो होता है वो हमारा जो प्रोसेस होता है वो हमारे स्केपुला पे होता है, पीछे की साइड में होता है, स्केपुला के पीछे होता है। तो ये जो होता है वो किससे अटैच होता है, क्लेविकल से अटैच होता है, ओके क्लेविकल से अटैच होता है। तो हमारे पास में इसका आंसर जो आ जाएगा वो वन वाला आ जाएगा, ठीक है ना। ओके तो लेट मी द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर से सेल साइकिल का क्वेश्चन है, सेल साइकिल का क्वेश्चन वही, कहाँ से पूछा गया है, बायोलॉजी के हार्ट से, बायोलॉजी का जो हार्ट है, कौन सा पेज है सेल साइकिल का, ये वाला पेज जिससे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, ओके। तो यहाँ से फिर से क्वेश्चन आया है, डिप्लोटीन है उसमें जो डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टिक कॉम्प्लेक्स जो होता है, साइनोटोमिकल कॉम्प्लेक्स जो होता है उसको, उसका जो डिसोल्यूशन होता है वो कौन से फेज में होता है, तो होता है डिप्लोटीन फेज में। इन महाशय ने बिल्कुल सही आंसर किया है यहाँ पर, चले एक तरफ निकला, नहीं नहीं बहुत सारे सही कर रहे हैं यार, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा मज़ेदार था, इस क्वेश्चन को करने में तो सच में मज़ा आ गया। अब इस क्वेश्चन में देखा गया दो चीज़ें रखी, एक तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है और एक पेप्टाइड बॉन्ड देखा। तो अब मैं जब 12th तक हो गई थी, मेरी जब 11th तक हुई थी ना, पूरी 11th मेरे को पता नहीं चला था कि ये जो है वो इनुलिन लिखा हुआ है, सच्ची बता रहा मैं। फिर बाद में जब मैं नीट की तैयारी करने लगा तब मेरे को किसी ने बताया कि तेरे को पता है ये, हाँ भाई देखो इंसुलिन इंसुलिन नहीं है ये, एक इनुलिन लिखा हुआ है, ये इधर वाला इनुलिन है और इधर वाला इंसुलिन है, ये इनुलिन है हाँ, और ये एक प्रकार का क्या है, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीसेकेराइड। पेपर में तो मिस्टेक कर दी पहले, हाँ मेरे को भी लग रहा था कि पेपर में मिस्टेक हो सकती है ऐसी, ठीक है। तो ऐसा कुछ पेपर में मिस्टेक नहीं है, यहाँ पर इनुलिन है, आपने पढ़ा होगा, ये इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ फ्रेक्टोस, फ्रेक्टोस का पॉलीमर है, ओके। 9th चैप्टर में चले आओगे वहाँ पे आपको ये पॉलीसेकेराइड के टॉपिक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो अब जब ये, जब आपको पता चल गया कि भाई ये ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है और प्रोटीन्स में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, तो इसका आंसर जो प्रोटीन इंसुलिन जो है वो एक प्रकार का क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वन आ जाएगा। आपका थोड़ा कॉन्सेप्चुअल, आपको दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, हर चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है, को रिलेट करके पढ़ोगे आप तो उसको याद रखने में भी आसानी होगी आपको और आसानी से रट लोगे। तो दोस्तों अब हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ, ओके। तो नेम द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो कि शुगर केन जो है हमारा उसकी लेंथ इंक्रीज करता है, कौन है, गिबरेलिन, गिबरेलिन जो है वो हमारा शुगर केन जो है उसकी क्या करता है, शुगर केन की क्या करता है, लेंथ इंक्रीज कर देता है, ओके। तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, और इसको बहुत एनसीईआरटी ने बहुत एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, गिबरेलिन जो 15th चैप्टर है हमारा, 15th चैप्टर है उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पर, शुगर केन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एज द शुगर इन देयर क्रॉप इन द इन देयर स्टेम के अंदर स्प्रेइंग शुगर केन विथ गिबरेलिन, मतलब गिबरेलिन से अगर हम उसको स्प्रे कर देंगे तो उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और उसका जो प्रोडक्शन है वो 20 टन पर एकड़ हो जाएगा, ओके। तो ये बहुत भयंकर हो जाएगा, तो ये आपको मिल जाएगा यहाँ पर साइटोकिन जो है उसके ऊपर मिल जाएगा यहाँ पर 15th चैप्टर में, तो इसका आंसर आ जाएगा गिबरेलिन, ओके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे, अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है हमारे कौन से चैप्टर से पूछा गया है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या पूछा गया है कि द प्रोसेस ऑफ रिजेंबल फॉर द फैसिलिटी लॉस ऑफ
वाटर, जो लॉस ऑफ वाटर होता है, हम सुबह उठते हैं तो हमको पेड़ के ऊपर, पत्तियों के ऊपर, ग्रास के ऊपर हल्का सा नमी लगेगी, पानी लगेगा, हम बैठते हैं तो कई बार गीले भी हो जाते हैं हम पूरे, है ना? तो वो किसकी वजह से होता है? आपने देखा हो तो किसकी वजह से होगा? वो भैया रूट प्रेशर की वजह से होता है। और ये लाइन बिल्कुल क्लियर लिखी हुई है NCERT में, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर, इफेक्ट ऑफ रूट प्रेशर इज ऑल्सो ऑब्जर्व एट नाइट एंड अर्ली मॉर्निंग वेन इवोपरेशन इज लो। जब इवोपरेशन कम होता है तो ड्रॉप जाके ऊपर सरफेस पे जमा हो जाती है। ये किसकी वजह से होएगा? रूट प्रेशर की वजह से होएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 3। ये इसका आंसर गलत है। ओके, तो अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। चलो, हमारा अगला क्वेश्चन भी गिबरेलिन पे ही है। तो गिबरेलिन क्या है? गिबरेलिन क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनहिबिटरी सब्सटेंस गवर्निंग सीड डोरमेंसी। अब ये क्वेश्चन को थोड़ा नोट भी दे रखा है, फिर इनहिबिटरी भी दे रखा है, फिर सीड डोरमेंसी भी दे रखा है, तो आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो कि भाई क्या है, क्या क्वेश्चन है। पर कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है इसको अपने को। नॉट एन इनहिबिटरी, जो इनहिबिटरी नहीं है और सीड डोरमेंसी करवा रहा है। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा यहाँ पर? गिबरेलिन कैसा है जो कि इनहिबिटरी नहीं है और दे आल्सो डिलेट सेनेसेंस दस फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री लॉन्गर एज दे एक्सटेंड द मार्केटिंग पीरियड। ओके, तो इसका क्लियरली थोड़ा राउंड अप क्वेश्चन है, एक तरीके से बोल सकते हैं कि बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन, जलेबी टाइप दे रखा है इसको, हमारे इंडिया की जलेबी टाइप दे रखा है। पहुँचना वही है हमको, डिस्प्लेस। हाँ, पहुँचना वही है जैसे। हाँ, वेरी गुड एग्जांपल, एक तरीके से बोल सकते हैं डिस्टेंस नहीं है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट जो है उसको सीधे कोरिलेट करने की कोशिश करना हमको। तो इसका जो आ जाएगा वो गिबरेलिक एसिड आ जाएगा, गिबरेलिक एसिड आएगा। ओके, थोड़ा सा था ये क्वेश्चन, कोई बात नहीं, करा होगा आपने जैसा किया होगा, है ना? और अच्छा ही गया होगा आपका। और अगर आपका अच्छा गया होगा तो आप बहुत सारी पिक्चरें देख रहे होंगे, क्योंकि जब मेरा अच्छा पेपर गया था तो मैं बता रहा हूँ लिटरली, जब पहले दिन दो चार पिक्चर तो मैंने मैक्सिमम फर्स्ट डे जैसे ही नीट का पेपर देके आया था, मेरे को ऐसा लग रहा था मेरे को सांस आ गई एकदम से, असली सांस जो आती ना वो, और मैं चार पिक्चरें निपटा दी एक साथ। तो आप बताइए आपको कैसा महसूस हो रहा है कमेंट करके, अगर अच्छा महसूस हो रहा है तो अच्छी बात है। ओके, और अगर कुछ क्योरी है, कुछ पूछना है तो भी हमको कमेंट में लिख सकते हैं, हम बता देंगे आपको उसके बारे में। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा फिर से टेबुलेट फॉर्म, जो हमारा जो एनिमल किंगडम से कोई जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमेशा मेज द कॉलम से पूछा जाता है। तो मेज द कॉलम में हमको छोटी छोटी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है, जैसे टीनोफोरा जो है उसमें बायोल्यूमिनेसेंस होता है, तो यहाँ पे जो टीनोप्लेना जो है उसका क्या आ जाएगा? बायोल्यूमिनेसेंस आ जाएगा, टीनोफिना का बायोल्यूमिनेसेंस आ जाएगा। तो डी का हमारे पास में थर्ड आ जाएगा, डी का थर्ड आ जाएगा, तो हमारे पास में आंसर सिंपल है। बाकी अगर आप इसमें बुक लंग्स में देखो तो स्कॉर्पियो के अंदर बुक लंग्स है, आपके पास में NCERT में डायग्राम भी बना हुआ है, यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है ना, तो उस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जो बुक लंग्स है, जो स्कॉर्पियो जो होता है, बिच्छू जो होता है, उसके अंदर बुक लंग्स होते हैं। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा थर्ड वाला, आप एक ही उससे पता लगा सकते हैं। बाकी जो चीज़ है, जैसे कि अगर इसकी बात करें हम, तो ये भी आपको जो एग्जांपल्स जो है वो आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल में आसानी से आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आसानी से यहाँ पे आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल में मिल जाएगा आपको लोकस्टा जो रहता है। ओके, और उसके बाद में रेडियल सिमेट्रिकल और बायोलेट्रिकल, मतलब कि एडल्ट रहेगा जब तो वो रेडियल सिमेट्रिकल रहेगा। ओके, पर जब लार्वा रहेगा वो बायोलेट्रिकल सिमेट्रिकल रहेगा। तो ऐसा कब होता है? वो होता है हमारा एस्टीरियसी में फैमिली, मतलब कि काइनोडर्मेटा में होता है। ओके, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम। हमारे अगला क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है? जिंक, मैग्नीशियम, बोरोन, इनका ये जो क्वेश्चन है इसकी हम ट्रिक भी अपलोड कर देंगे, तो इसकी बहुत आसानी से ट्रिक याद करने की है। देखो, आपको बोरोन जो है वो 12th में भी आएगा, आपने अगर जर्मिनेशन पढ़ा होगा, पोलन जर्मिनेशन पढ़ा होगा, तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स में भी आता है कि जो बोरोन जो होता है वो हमारा पोलन जर्मिनेशन में वर्क करता है भैया। तो जो बोरोन है वो हमारा इसमें करता है। अब आपको देखो, बोरोन को यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने तीन तीन इसी के दे दिए। ओके, तो इसका जो आंसर जो आएगा वो कौन सा आ रहा है हमारे पास में, वो देखना पड़ेगा हमको कौन सा आ रहा है। तो अब जैसे कि अब मैं बता दूँ कि जो जिंक होता है वो जिंक क्या करता है, वो करता है हमारा सिंथेसिस ऑफ जिंक, सिंथेसिस करता है हमारा IAA बायोसिंथेसिस करता है। IAA बायोसिंथेसिस मतलब ऑक्सीजन बनाता है। ओके, जैसे जिंक दे रखा है, जिंक सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन करता है। तो इसका हमारा कौन सा आ जाएगा? जिंक बी का आ जाएगा, हमारा फोर्थ वाला। बी का फोर्थ वाला कहाँ पे हमारे पास में?
फोर्थ ऑप्शन, तो इसका आंसर जो आ जाएगा फोर आएगा, इसका आंसर जो आएगा वो हमारे पास में फोर आएगा, ठीक है ना। दो से आसानी से बता कर सकते हो आप, बाकी अगर आपको पता है कि और जो भी ये लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे कि जो जो क्लोरोफिल होती है उसकी सिंथेसिस के लिए हमारे पास में आयरन की ज़रूरत पड़ती है, तो उसका क्वेश्चन का पता हो जाएगा आपको आसानी। सारे के सारे बस ये इसके कुछ फीचर्स याद करने हैं आपको, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। तो यहाँ पर हम आपके पास में सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं, ठीक है। बायो के सारे क्वेश्चन फिनिश हो गए हैं। तो यहाँ बायो के इलेवंथ के, मैं बोलूँगा बायो के इलेवंथ के क्वेश्चन, बायो के इलेवंथ के क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर आपको 12 के बैक क्वेश्चन इसी तरीके से चाहिए तो आप हमको कमेंट कर में बताइए, ताकि हमारा हौसला बढ़े और हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड ला सकते। हम 12 में कोशिश करेंगे कि और अच्छा कंटेंट लाए और अच्छे से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। अगर आपको अगर लगता है ओके सेकेंड 12th की भी इसी तरीके से अगर वो करें हम, तो आप प्लीज़ हमको कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके थैंक यू, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, सी यू, बाय बाय रे बाबा, बाय 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 गाइस।